देखिए, असाइनमेंट्स मैंने दे रखे हैं आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए, फिर भी मैं यहाँ पे आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सीधा जाके सॉल्यूशन वीडियो मत देखिए, अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो जाके वीडियो के देख के आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो पहले दो असाइनमेंट्स जो है हमें क्या करने हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमें उसमें ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे A4 पेपर पर, ठीक है। तो आइए हम ये एक्सरसाइज ऑटोकैड में करते हैं। इसके लिए मैंने भी फाइल दे रखी है, आप उसको ओपन करिए और उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, असाइनमेंट नंबर 1 वाली फाइल जो है उसका आप ओपन कर लीजिए और वहीं पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो फ्रंट व्यू साइड है, ये जो F लिखा है वही है, ठीक है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ फ्रंट से। तो रेक्टेंगल ले लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि डायमेंशन कैसे निकाले। जो वर्टिकल जो डेप्थ है बॉटम वाली वो 20 है, ठीक है। और इसको हमें कैसे बनाना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो आइए मैं बॉटम में फ्रंट व्यू बनाने की कोशिश करता हूँ। तो विड्थ होगी 100 और डेप्थ होगी 20, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस एक्सप्लोर, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये जो बॉटम वाली लाइन है उसको बनाना है। अब आइए उसको मैं ऑफसेट करता हूँ 12, तो ऊपर से 12 कर दूंगा तो अपने आप ये बॉटम लाइन बन गई, ठीक है। 12 मैंने कर दी तो बॉटम वाली अपने आप क्या हो गई, 8 mm हो गई। अब आइए मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आइए हम ये टॉप वाला पार्ट बनाते हैं। तो 30 प्लस रेडियस कितनी है, 16 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो 30 प्लस 16 कितना होगा, 46। तो लाइन का मान लूँगा यहाँ से ऊपर की तरफ कितना होगा, 46, ठीक है। विड्थ कितनी है, 20। नीचे की तरफ कितना होगा, 46 वही, ठीक है। तो अपना ये फ्रंट व्यू बन गया। अब इसको हम टॉप व्यू भी बनाते हैं। तो टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे और यहीं से हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे। और विड्थ कितनी होगी, तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही ट्रैक करेंगे वैल्यू आ जाए तो फिर से टाइप करिए और टैब दबाइए, विड्थ कितनी होगी, 60, क्लियर। अब इसको आप एक्सप्लोर कर दीजिए, हो गई। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो डिटेल्स है उसको हम डालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये डाल दूंगा, यहीं से अपनी विड्थ शुरू होगी, ठीक है। तो कितनी है, 60। तो हमें ये जो सेंटर स्लॉट बनाना है, तो सेंटर पॉइंट से हम इसको डिस्टेंस ले सकते हैं 20 और 6, ठीक है। तो PL फॉर पॉलीलाइन, शिफ राइट क्लिक फ्रॉम, तो मिडल पॉइंट हमारा फ्रॉम पॉइंट है, शिफ एट द रेट कितना होगा, 20, 6, ठीक है। अब ये कितना है, 40। ए स्पेस फॉरवर्ड आर कितना होगा, ओवरऑल 12। एल स्पेस फॉरवर्ड लाइन कितनी होगी, 40। ए स्पेस फॉर आर और वापस मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। चलिए, एल स्पेस एंड क्लोज, तो स्लॉट बन गया। अब आइए अब हिडन डिटेल डालने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं क्या करूँगा, सेंट्रल लाइन बनाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइड व्यू में भी बनाना है। तो मैंने फ्रंट व्यू बना दिया है, टॉप व्यू बना दिया है, अब क्या बनाना है, राइट हैंड साइड भी बनाना है। तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो रेक्टेंगल यहीं से मैं शुरू करूँगा, विड्थ कितनी होगी, मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ट्रैक करूँगा तो उसकी वैल्यू जो है वो मैं डाल दूँगा 20, उसके बाद विड्थ कितनी होगी, 60। चलिए, अब मैं कोशिश करता हूँ कि भाई सर्कल ड्रॉ करना है। तो मिडल पॉइंट से ऊपर की तरफ कितना है, 30। अगर आप चाहते हैं तो साइड में भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो डी स्पेस कितना है, 20। आइए मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ जिसकी रेडियस कितनी है, 16, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, एल स्पेस शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, ये इसको मिरर कर देते हैं। आइए ट्रिम कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना, बनाना ये पार्ट बनाना है, ठीक है। तो वो कैसा है, 12 करके 16 में जाना है। तो एल स्पेस 12 16, ठीक है। अब कितना है, नीचे की तरफ हमें कर देना है, तो कितना बचेगा, 8।
इसको हम इसको मिरर कर देते हैं दो लाइन को। चलिए बाकी की लाइन को ट्रिम कर लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए। सेव कर लीजिए। देखिए अब कोशिश करते हैं कि सेंटर ज्योमेट्री उसको एंटर करते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ सेंटर मार्क। चलिए ठीक है, इसको भी मैं बना लेता हूँ कंट्रोल एस। ये मैं सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको भी बाद में इसको क्या करूँगा LTS करके चेंज कर लूँगा। फिर से यहीं से चलिए अब क्या करते हैं LTS डालते हैं, स्केल कर देते हैं 0.5 हो गई। आइए अब हिडन ज्योमेट्री ऐड करते हैं। तो हिडन लेयर एक्टिव कर लीजिए, लाइन ले लीजिए और यहाँ से सीधा प्रोजेक्ट कीजिए। ठीक है, डेप्थ कितनी है 20 हो गया। इसको मिरर भी कर सकते हैं या फिर से प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यही दो लाइन टॉप में भी डायमीटर वही रहता है तो विड्थ तो 20 रही, तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा, इसको पकड़ के इसको पकड़ूंगा और ये मेरा इंटरसेक्शन भी विद बेस पॉइंट। ठीक है, चलिए एंटर। तो यही आपको सीखना है कि मॉडिफाइंग कमांड किस सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको भी मैं हिडन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको यहाँ से प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कितना आएगा 20। अब मिरर करना है तो मिरर भी कर सकते हैं, चलिए मिरर कर देता हूँ, हो गया। अब सेंटर लाइन ड्रॉ करनी तो सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए उसको भी मैं मिरर कर दूंगा। उसी स्लॉट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिडन दिखेगा। ठीक है, तो सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर से नीचे की तरह। ठीक है, विड्थ कितनी है अपनी 20। तो आइए हिडन लेयर ऑन कर देते हैं, 20 नहीं है 12 है, सो ओ स्पेस 6 विल बी द डायमेंशन। ठीक है, इसको पकड़ के आप क्या करिए हिडन लेयर पर डाल दीजिए, ट्रिम कर दीजिए। चलिए सेव कर लीजिए। यानी कि तकरीबन ड्राइंग रेडी है, लेकिन टॉप व्यू में ये जो हिडन लाइन है 28 वाली वो हमें ड्रॉ करने की बाकी है, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहीं से ऊपर की तरफ कितना है 16, कितना होगा 100। आई इसको मैं मिरर कर देता हूं। हिट द एंटर एंड सिलेक्ट द मिड पॉइंट टू कंप्लीट द हिडन ज्योमेट्री ऑन द टॉप साइड। तो आप देखिए तकरीबन हो गया। अब फिलेट जो बाकी है 6 वाली वो भी हम कर लेते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट लेयर में चले जाते हैं, F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, रेडियस इज 6। ठीक है, तो फ्रंट में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत होगी, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अब आप एक्सटेंड कमांड लीजिए और इसको एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, एंड हिट द एंटर। अब आइए इस व्यू को थोड़ा नज़दीक ले लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए सेव कर लो। अब आप क्या करेंगे, डायमेंशन ऐड करेंगे। तो ये 100 और 12 यहीं से ये वाला 12। ठीक है, उसके अलावा ये वाला और ये वाला 30, ये 16, ये 20। जहाँ पे सर्कल कम्प्लीटली दिख रहा है ट्रू शेप में, वहाँ पे ही डायमीटर और रेडियस का डायमेंशन दीजिए। ठीक है, ये
मैं कैसे करूँगा भाई, यहाँ से ये वाला 16, ठीक है, मैं एनोटेट में जाऊँगा और बेस लाइन नहीं लूँगा, कंटिन्यू लाइन लूँगा, ठीक है, तो ये हो गया, इंटर। फिर से मैं लूँगा यहीं से ये वाला 16, ठीक है, और यहाँ से ये जो विड्थ है वो भी हम निकाल लेंगे 20, और टॉप में कोशिश करेंगे कि जो जो डिस्टेंस है ये वाला 40, और यहाँ से ये वाला कितना है 12, ठीक है, और ये जो है रेडियस यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। अगर कुछ रह जाता है तो आप ऐड कर सकते हैं, शायद ये रह गया ये वाला, ठीक है, 20। आई एम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेक कैसे करते हैं। सो सिलेक्ट डायमेंशन टू ऐड रिमूव ब्रेक, ठीक है, चलिए, शायद तकरीबन सारे डायमेंशन आ चुके हैं, अगर कुछ रह जाता है तो आप ऐड कर लीजिएगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब देखिए 100 है और 60 है और बीच में, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में वो आएगा कि नहीं, कोशिश करते हैं A3 लैंडस्केप में, सॉरी। यहाँ से फिर से मैं आई स्पेस इंसर्ट करूँगा टाइटल ब्लॉक को और इंसर्ट, ठीक है, 0.0, मैं आपको सिखा रहा हूँ भी कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सपोर्ट नाम दे देंगे, ठीक है। अब व्यू पॉट बनाते हैं, VPORTS, हिट द एंटर, सिलेक्ट द सिंगल, मेक श्योर के यहाँ से आप यहाँ क्लिक कर दिए, ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा तब जाके वो आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि भाई टॉप व्यू जो है उसका डायमेंशन थोड़ा ऊपर ले लीजिए इस तरह से, और टॉप व्यू को नज़दीक लाइए, अगर ऐसा करने से अगर 1:1 में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, नीचे ले आइए। ठीक है, चलिए फिर से आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, तो हमने ये जो असाइनमेंट किया है दैट इज इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम, ठीक है, मेथड है उसकी, आई उसको प्रिंट करते हैं, कंट्रोल पी, कंट्री विद द सिंगल प्लॉट सेट, सीधा प्लॉट ही करते हैं, प्रीव्यू नहीं देख रहे हैं अभी, देखिए हो गया, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से और PDF में भी आप देखें तो लेयर बन कर सकते हैं, ये फैसिलिटीज अवेलेबल है लेटेस्ट एडोब रीडर में, ठीक है। सो इस तरह से आप जैसे बताया गया उसी हिसाब से हमने क्या किया है, आउटपुट निकाला है। चलिए एक और असाइनमेंट करते हैं, चलिए जो दूसरी एक्सरसाइज है उसको भी ट्राई करते हैं, उसको भी क्या करना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम से ही उसको बनाना है मल्टी व्यू में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा, और राइट हैंड साइड व्यू, मतलब यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं ऑटो कैड में। तो ये जो AS2 फाइल आप ओपन कर लीजिए, असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है, राइट क्लिक एंड ओपन। आइए अब इसको हम ट्राई सेट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट लेयर क्लोज कर दीजिए। तो फ्रंट में से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, या फिर सीधा हम टॉप व्यू भी बना सकते हैं, तो आइए टॉप व्यू में से ट्राई करते हैं। तो रेक्टेंगल कितने का होगा, आप देखिए कि 30, 40 एंड 50, तो 50 एंड 40, ठीक है, मैं ड्राइंग को स्केल कर लेता हूँ, उसको मूव कर लेता हूँ,
चलो मैं सेव कर लेता हूँ इसको, थोड़ा जगह के लिए मैं मूव कर देता हूँ और थोन कीजिए, ये रहा। आइए ये जो टॉप व्यू में जो हमें दिखा रहा है सर्कल उसको भी कोशिश करते हैं। फिर आई विल यूज पॉलीलाइन, यहीं से कितना है 20, ठीक है। ए स्पेस फॉर आर्क 30, एल स्पेस फॉर लाइन कितनी है 20, एंड हिट द एंटर। यहाँ पे मैं सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। तो ये सर्कल है, उसका डायमेंशन कितना है, डी स्पेस फॉर 10, इसको हम मिरर कर देते हैं, एम आई फॉर मिरर। इस चीज को हम मिरर करेंगे राइट क्लिक, यहाँ से ऊपर की तरफ। आइए मैं अंदर वाला जो पहले हमने जो रेक्टेंगल बनाया उसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ, ओ स्पेस फॉर ऑफसेट 10, ठीक है। अब इसको हम ट्रिम कर लेते हैं, सॉरी उसके पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लोड करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब एक्सटेंड का मान लेंगे, ओके क्लियर। आइए अब उसका फ्रंट व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं रेक्टेंगल लूंगा, तो यहीं से शुरुआत करूंगा, ठीक है, यहां से क्लियर और यहां तक, तो कितना होगा 120। सो 120 एंड डेप्थ विल बी, सॉरी हाइट विल बी 50 प्लस 10 60, ठीक है। चलिए इसको हम एक्सप्लोर कर देते हैं। अब यहीं पे क्या करेंगे, प्रोजेक्शन डालेंगे और उसको बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, आसानी रहेगी इसलिए। आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ट्रिम कर लेता हूं, ठीक है। तो फ्रंट टू में मुझे यहाँ पे कुछ मिल गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऑफसेट 10 ऑफसेट करूँगा, बाकी के लाइन में क्या करूँगा, ट्रिम कर दूंगा, ठीक है, टी आर स्पेस फॉर ट्रिम, उसी तरह। सॉरी मैंने गलती से एक एडिशनल लाइन भी डिलीट कर दी है जो नहीं करनी थी, तो यहीं से भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, इसको भी, इसको, इसको और इसको भी, ठीक है। तो ये जो लाइन बची है अपनी, ये वो सेंटर लाइन है, ठीक है। अब चाहे तो उसको भी डिलीट कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर लीजिए। मैंने गलती से एक एडिशनल लाइन को भी क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया, मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। चलो सेव कर लेते हैं। अब कंप्लीट करते हैं कि हिडन ज्योमेट्री जो रह गई उसको हम ट्राई करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन ड्रॉप कर लेंगे। तो एनोटेट में आइए और ये सेंटर मार्क पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह लाइन भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा हिडन ज्योमेट्री ड्रॉ करने के लिए। उससे पहले मैं क्या करूंगा, उस लेयर को एक्टिव कर लूंगा, ठीक है। चलिए अब हमें मालूम है कि डायमीटर कितना है, 10 है, तो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड जाके 5 एंटर करूंगा और नीचे कितना होगा 10, ठीक है। मैं मिरर कर दूंगा, क्लियर। अब मैं एलटीएस स्केल चेंज कर दूंगा। अब फिर से सारी चीज़ को मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करके मिरर कर दूँगा, ठीक है, ताकि मुझे वापस बनानी ना पड़े। तो यही तो एक बेनिफिट है मॉडिफाइंग कमांड का।
चलिए अब कोशिश करते हैं कि राइट हैंड साइड व्यू कैसे बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें बनाना है तो ऑब्जेक्ट को एक्टिव कर लीजिए, यहीं से क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो हाइट आएगी। ठीक है, हाइट कितनी आ रही है, 60, तो टैप करके 60 एंटर कर लूँगा। विड्थ कितनी आएगी, 40। ठीक है, ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहीं से यहाँ तक और ये होगी 40। ठीक है, अब जो हिडन ज्योमेट्री डालनी है वो भी मैं डाल देता हूँ। चलिए एल स्पेस, यहीं से अंदर की तरफ 10। ठीक है, नीचे की तरफ कितनी होगी, 50 हो गई। बाकी की जो हिडन लाइंस है वो ओवरलैप हो रही है फ्रंट साइड के साथ, तो हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाले को, सीओ फॉर कॉपी। यहीं से इस मिड पॉइंट तक कर लेंगे। ठीक है, यानी कि फिर से हमें वो साइड व्यू में हिडन लाइन सर्कल के लिए ड्रॉ करनी पड़ेगी। नहीं तो देखिए, इस तरह से हमने क्या किया कि पहले टॉप व्यू बनाया, फिर फ्रंट व्यू बनाया और उसमें साइड व्यू बनाया। अगर आप चाहते हैं तो डायमेंशन ऐड कर लें। ठीक है, तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगा डायमेंशन ऐड करने के लिए। तो ये है 90। ठीक है, तो हाइट में है यहीं से ये 10। क्लियर, ये जो है यहीं से ये 30 है। चलिए सेव कर लीजिए, अब उसको ट्राई करते हैं पोर्ट्रेट मोड में, लेंड A4 पोर्ट्रेट। अब मैं टाइटल ब्लॉक इंसर्ट नहीं करना चाहता हूँ, सीधा ही व्यूपॉर्ट बना देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में लाइए, मेक श्योर के सही हो। ठीक है, मैंने टाइटल ब्लॉक इस्तेमाल नहीं किया। चलो कंट्रोल पी, कंटिन्यू प्लॉट, प्रीव्यू देख लीजिए। ठीक है, और राइट क्लिक करके प्लॉट कर दीजिए। चलिए सही से आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, अब इसको सेव कर लें। नाउ असाइनमेंट नंबर 3 में हमें ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाने हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि A4 पेपर साइज पर प्लॉट करें, वो भी PDF फॉर्मेट में। तो आइए दोनों एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। तो उसके लिए आप AS3 असाइनमेंट नंबर 3 आप उसको ओपन कर लीजिए। तो पहले मैं टॉप व्यू बनाऊंगा तो ईजी रहेगा, अगर आप चाहते हैं कि फ्रंट व्यू बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ फ्रंट व्यू बनाने की, पॉली लाइन। ठीक है, तो 12 यहाँ से मैं कॉर्नर से शुरू करता हूँ 12। ठीक है, ऊपर की तरफ कितना है 20 और हॉरिजॉन्टली कितना है तो 100 ही है, और 100 में से 20 निकाल लीजिए 80, तो ये हो गया 40। ठीक है, ऊपर की तरफ कितना है 24 प्लस रेडियस, तो रेडियस कितनी है 20। ठीक है, तो ये हो गई 44। ठीक है, विड्थ है 20, ये हो गई 44। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा अगेन 40, नीचे की तरफ कितना आएगा 20। ठीक है, और कितना आएगा 12, लेफ्ट साइड कितना आएगा 12, ऊपर की तरफ कितना जाएंगे 8, और सी स्पेस करके मैं सॉरी दिस ये हो गई गलती। चलिए मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ, लाइन को डिलीट कर देता हूँ, एल स्पेस
यहाँ से जाना है और इसको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं इसको स्केल कर देता हूँ इस ड्राइंग को, चलिए सेव कर लीजिए। तो फ्रंट व्यू बन गए हैं, अब टॉप व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो रेक्टेंगल लीजिए, यहीं से सीधा ट्रैक कीजिए, विड्थ कितनी होगी, ऑब्वियसली 100। जैसे 100 वैल्यू आ जाए वहाँ पे आप टाइप कर लीजिए, टैब दबाइए, विड्थ कितनी होगी 40, तो टॉप में हमें दिख रही है, ठीक है। अब सीधा जाके प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वही करूँगा, यहाँ से लेके कितना है 40, और तो मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, फिर से 40। चलिए तो ये हो गया। अब हिडन चीज़ें भी डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अगर यहीं से नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, एनोटेट में जाके इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बड़ी वाली आएगी, ठीक है, तब कुछ छोटी करनी पड़ेगी। पकड़ के कर सकते हैं, वो स्नैप बंद कर दीजिए, तो ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। आइए कोशिश करते हैं साइड व्यू बनाने की, क्लियर। उसके पहले मैं यहाँ भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो कितनी होगी, उसके पहले हम साइड व्यू बनाते हैं, वहाँ से हम प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लेयर एक्टिव कर लीजिए, रेक्टेंगल, विड्थ होगी 40, हाइट होगी अपनी 20, या फिर यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, देखिए ये वाली, ठीक है, तो 64, ठीक है। चलिए अब इसको एक्सप्लोर कर देते हैं। अब मैं यहीं से इसको मैं बना देता हूँ 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सेंटर में से सर्कल बनाना है, तो यहीं से ऊपर की तरफ कितना होगा 24, डायमीटर कितना अपना 12, यानी कि 24 रेडियस है, ठीक है। चलिए हो गया। अब मैं बाकी की लाइन जो है ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहीं पे सी स्पेस, रेडियस कितनी है 20, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, फिर से वही लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, या फिर आप क्वाड्रेंट पॉइंट भी ले सकते हैं, ट्रिप कर लेते हैं। चलिए हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेंटर लाइन एक्टिव करके सेंटर मार्क ड्रॉप कर देता हूँ, चलिए हो गया। उसी तरह मैं सेंटर लाइन यहाँ पे मैं बना दूंगा, ठीक है। आइए अब हिडन लाइन भी बना लेते हैं, उसी तरह यहीं पे भी बनाएंगे 40, ठीक है। और यहां से अब क्या करेंगे, जो डायमीटर कितना अपना था 12, यानी कि 24, तो यहां से 12 और 12 डिस्टेंस लेके लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, यहीं से ऊपर की तरफ 12, विड्थ कितनी है 20 हो गई। आइए मिरर कर देते हैं। चलिए अब वही चीज मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, तो CO फॉर कॉपी, तो ये मेरा पॉइंट होगा और यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो साइड में भी, फ्रंट व्यू में भी, हॉल की क्या जो होल है उसका फ्रंट व्यू में भी हिडन लाइन आ गई है, ठीक है। लाइए LTS स्केल कर देते हैं 0.5,
चलिए सेव कर लेते हैं। आइए अब क्या करेंगे, डायमेंशन ऐड करते हैं फटाफट। यस, एक छोटे से जो दो होल हैं वो भी रह गए, तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो पहले टॉप व्यू में कर दें, यहीं से कितना है 20, रेडियस कितनी है 6, ठीक है हो गए। आइए यहाँ पे मैं सेंटर लाइन सिलेक्ट करके सेंटर मार्क ऐड कर देता हूँ और उसके साथ ही मैं उसको मिरर करूँगा, ठीक है। उसने पॉन रखे, चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, इसको भी हमें फ्रंट व्यू में और साइड में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए हिडन लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर की तरफ कितना होगा 20 है, ये निकल जाएगा 12, ठीक है। चलिए फिर से कितना होगा 6 यानी कि 12, कितना होगा 12। इसको कॉपी कर दे, सॉरी मिरर कर देते हैं, उससे पहले मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए मिरर, चलिए उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। हो गया, चलिए क्लियर, चलो सेव कर लेता हूँ। आइए अब कोशिश करते हैं डायमेंशन ऐड करने की। तो डायमेंशन लाइन एक्टिव कीजिए, तो विड्थ कम है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप में प्लॉट कर सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं लैंडस्केप में, आई स्पेस फॉर इंसर्ट, राइट क्लिक, इंसर्ट टाइटल ब्लॉक 0.0, वही डायमेंशन रहेगा हमारा, मतलब प्लॉट स्केल 1:1 ही रहेगा। सपोर्ट ब्लॉक, ठीक है। अब मैं व्यूपॉइंट डाल देता हूं, मेक श्योर के यहां स्केल जो है व्यूपॉइंट का 1:1 हो, इसको क्लोज कर दीजिए। अगर आप चाहे तो लेयर में जाके जो डायमेंशन के जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्लॉट कर दीजिए, कंट्रोल पी, कंटिन्यू, लुक एट द प्रीव्यू, ठीक है। अब वो क्या आ रहा है तो राइट क्लिक करके प्लॉट कर दीजिए। चलिए सही से सारी चीजें आ रही हैं, क्लोज कर देते हैं, सेव कर लीजिए। इसको मैं बंद कर देता हूँ। आइए अब ये दूसरी वाली जो एक्सरसाइज है, फोर्थ नंबर के असाइनमेंट में है दी गई है, उसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप असाइनमेंट 4 वाली ड्राइंग फाइल ओपन कर लें।
चलिए आप चेक, ठीक है। तो जो फ्रंट साइड है ये वाली है, तो आइए कोशिश करते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, देखिए फ्रंट व्यू के हिसाब से बनाना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर से बनाऊँगा। तो विड्थ है 96 एंड देन इट इज 16, ठीक है। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ से विड्थ होगी 16 और हाइट होगी 48, ठीक है। चलिए मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ, इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, सेव कर लीजिए। अब आइए इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉली लाइन लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं, या फिर सिंपल लाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं लाइन लेके यहाँ से ऊपर की तरफ कितना है 28, ऑर्थो को ऑन कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, द डायमेंशन इज गिवन इज 8, ठीक है। अब देखिए कि 40 में से 16 निकालना है तो कितना होगा, 40 माइनस 16 करिए तो दैट वुड बी 24, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 24 एक ऐड करूँगा, फिर से 8 एंड एंटर एंड एंटर, यानी कि मेरे पास तीन सेगमेंट हैं, ठीक है। ये वाला इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्कल बनाऊँगा, तो सी स्पेस राइट क्लिक 2 पॉइंट, यानी कि ये और ये, ठीक है। मैं ट्रिम कर देता हूँ, ओके। आइए मैं लाइन बना देता हूँ यहाँ से नीचे की तरफ 28, ठीक है। चलो हो गई। फिर से मैं लाइन बना के यहाँ से ये जो वेव है उसको मैं बना लेता हूँ। चलिए हो गया। तो तकरीबन फ्रंट व्यू रेडी है। अब आइए इसको टॉप व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो रेक्टेंगल यहाँ से नीचे की तरफ ले लीजिए और यहाँ से ट्रैक कीजिए, सॉरी मैंने गलती कर दी, REC रेक्टेंगल यहाँ से ट्रैक कीजिए और यहाँ से भी ट्रैक करके देख लीजिए कितना आ रहा है डायमेंशन 96, तो 96 टाइप कीजिए, टैब 64, हो गया। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोजेक्ट करके कैसे उसको बनाया जा सकता है। तो मैं टॉप में देखूँगा, देखिए ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बनाने के लिए थोड़ा विजुलाइजेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ से कितना है, तो देखिए 64 माइनस 22 यानी कि बचेगा 42, क्लियर। तो दिस विल बी 42, ठीक है। उसी तरह मैं चलो उसको कॉपी कर लेता हूँ, चलो CO फॉर कॉपी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। या फिर डिस्टेंस रहेगा ये वाला, क्लियर। इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, चलिए ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लाइन ऐड करता हूँ, एल स्पेस, और ये हो गया शेप कंप्लीट, ठीक है। अब टॉप में भी ये स्लॉट बनाना पड़ेगा जिसका डायमेंशन है 16 बाई 20, तो आइए उसको भी कोशिश करते हैं। तो वो सेंटर में ही है, तो 64 माइनस 16 कितना होगा 48, यानी कि 24 सेंटर लाइन से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ से 24, चलिए मैं फिर से ऑब्जेक्ट लेयर में चला जाता हूँ और वहीं पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से 16 यानी कि 8, ठीक है। कितना है 20, फिर से मैं मिरर कर दूंगा इस लाइन को। आइए अब आर्क ट्राई करते हैं, स्टार्ट सेंटर एंड पॉइंट, जूम कीजिए, स्टार्ट सेंटर पॉइंट एंड
एंड पॉइंट हो गया। चलिए यहाँ से फिर से मैं क्या करूँगा, जो वेव दी गई है इसकी विड्थ कितनी है, 12 है। कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। चलिए हो गई, सेव कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, साइड व्यू भी बनाना है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है, ताकि उसको भी कोशिश करते हैं। रेक्टेंगल यहाँ से प्रोजेक्ट कीजिए और ये वाला ले लीजिए, तो कितना आ रहा है, 64, तो उसको लॉक कीजिए। 64 विड्थ कितना होगा, 64 अगेन, तो ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। चलिए हो गया, सेव कर लीजिए। अब देखिए, आप यहाँ से देख रहे हैं तो रेडियस ऐसे बनेगी, ओके। तो सी स्पेस सेंटर कहाँ से होगा उसका, ये से कोशिश करते हैं, सी स्पेस। उसके पहले मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, हिडन लाइन को, जिसकी वजह से हमें क्या पड़ेगा, ये जो 48 वाले रेडियस का सेंटर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। सो दिस इज 64, ठीक है। आइए ऑब्जेक्ट लेयर पर जाते हैं, नहीं वो भी आर्क है, लेफ्ट साइड से देख रहे तो वो भी क्या आएगा, हिडन आएगा। तो सी स्पेस यहाँ से कितना है, 16। रेडियस कितनी है, 48, ठीक है। मैं ट्रिम कर देता हूँ, कटिंग एज लूंगा इस बार, गलत, ठीक है। चलिए मैं फिर से ट्रिम कमांड लेता हूँ, हो गया। अब ये हमने कट कर लिया तो अब हिडन नहीं आएगा, क्या होगा, इसको हम ऑब्जेक्ट में डाल देंगे, ऑब्जेक्ट लेयर, मतलब वो फुल दिखेगा क्योंकि लेफ्ट साइड से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो गलती हो सकती है, आप कभी भी सुधार सकते हैं ऑटोकैड में। आइए ये पार्ट बनाते हैं, ठीक है, ये वाला, तो वो पूरा क्या रहेगा, हिडन रहेगा। तो इसके लिए हम लाइन ले लेते हैं, तो यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, कितना होगा कि भाई 64 में से 22 निकालेंगे तो 42 बचेगा, ठीक है। नीचे कितना जाएगा, 28। अब उसके हिसाब से यहाँ से भी हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये भी कितना है, 42। अब आइए स्लॉट को बनाते हैं, ठीक है। अब स्लॉट का जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम होना चाहिए, अगर मालूम नहीं है तो आप मेज़र कर लें, कोई इश्यू नहीं है। कितना है, 24। चलो तो आइए मैं सेंटर लाइन बना लेता हूँ, पहले यहीं से 24, ठीक है। थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। चलिए अब मैं क्या करूँगा, स्लॉट बनाना है तो ऑफसेट करूँगा, जिसका डायमेंशन कितना है, 16, मतलब 8x8 का ऑफसेट करूँगा। तो चलिए यहाँ पे हिडन लाइन ले लेते हैं, ओ स्पेस ऑफसेट 8, ठीक है। चिंता मत करिए, इसको आप यहाँ से भी डाल सकते हैं हिडन लेयर पर। उसके बाद एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है, शिफ्ट दबा के बॉटम पार्ट को आप ट्रिम कर लीजिए। तो ये हो गया स्लॉट, क्लियर। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी बना सकते हैं। अगर कुछ रह जाता है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहीं से सेंटर लाइन लेके यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो हो गया हमारा सेंटर मार्क, तकरीबन सारी डिटेल आ चुकी है, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो
मैं डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रेडियस जो है ऊपर का पार्ट क्या है सेपरेट दिखा रहा है, तो यहीं से आप क्या कर सकते हैं उसको डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो हिडन लाइन जो हमने बनाई उसको डिलीट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब डायमेंशन दे देते हैं, तो टॉप व्यू में पहला ये आएगा। ठीक है, तो देखिए हो गया, स्केल भी अपना कितना है 1:1। तो हमने पहले से ही क्या किया हुआ है कि टाइटल ब्लॉक इंसर्ट करा रखा है। आइए अब इसको सेव करके प्लॉट करते हैं, कंट्रोल पी। चलिए इसको प्लॉट कर देते हैं। ध्यान से देखिए कि सारी चीज़ें सही आ रही है। तो ये फ्रंट व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, और ये टॉप व्यू है एज पर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड्स। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ऑर्थोग्राफिक व्यू बना सकते हैं।